साथियों, पार्टी और प्रिंस के पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित मूल निवासी बहुजन मित्रों, दोस्तों, बच्चों, आज 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर भारत के विशेष रूप भारत के तमाम मूल निवासी महानेताओं को नमन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम महिलाओं को नमन, जिन्होंने महिला अधिकार के लिए संघर्ष किया पुरुषों के साथ। ये रिवांचल है और पुणे अंबेडकरी आंदोलन का गढ़ भी रहा। यहीं से पुणे अंबेडकरी आंदोलन से एमपी और विधायक भी बने। मैं जब पटना में पढ़ रहा था तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रोग्राम होते थे, जाता था मैं, तो एक नीला नीला किताब बिकता था भीम सिंह पटेल के नाम पर, एक छोटी सी किताब। तो इस रिवांचल में जहां पे फूले अमृतगिरी का फल और फूल उगा है, उगा था, बीच में जो डायलॉग हुआ है, मुझे लगता है कि फिर से मैडम अगर आपकी अंगूठी घर में भूल जाए सोनेगा तो कहां मिलेगा? अगर आपकी सोने की अंगूठी घर में भूल जाए तो कहां मिलेगा? तो फूले अमृतगिरी आंदोलन अगर यहां भूला है फिर कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। तो फिर से इस रिवांचल में और रिवांचल से पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश से एक नए अंदाज में फिर से मूल निवासी अवधारणा के आधार पर राजनीति शुरुआत हो, जो यहां से निकले और दिल्ली तक पहुंचे, एक ये उम्मीद है। कितना पुराना ये रिवांचल रहा है, कितने भाषण हुए होंगे, कितने वक्ता नेता शिक्षक प्रशिक्षण हुए होंगे। हेलो जी, हेलो, बात उपालो पानी पी लेंगे आप, इतना मैंने पानी में नहीं मरे लोग, इतना देह में पानी क्या भी। तो ये इतने स्पीच इधर हुए होंगे, फिर वही स्पीच हो रहा है, लेकिन बदलते हुए हालात में हो रहा है, नए अंदाज में हो रहा है। और सबसे खास बात कि चुनौतीपूर्ण माहौल में हो रहा है। हमारे एक दोस्त थे, उनकी शादी एक ट्राइबल क्रिश्चियन नर्स से हुई, एक ही गांव में रहते थे दोनों। उस ट्राइबल नर्स को 2-4 साल से देखते थे, उसी गांव में थी, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि उस ट्राइबल नर्स के शादी एक ओबीसी के नाई बिरादरी के टीचर से हो रहा है, तो उसी लड़की को देखने के लिए मतलब लोगों का अंबार की पड़ा।
लड़की हुई थी, लेकिन परिपेक्ष बदल गया, संदर्भ बदल गया। तो इस देश में फूले अंबेडकरी आंदोलन की चर्चाएं हुई है कितनी बार, संविधान की भी हुई है, लेकिन आज जिस परिपेक्ष में जिस संदर्भ में हो रही है, अब उस बात को और ज्यादा नए तरीके से नए अंदाज में और इस हद तक कि अपने महान पुरखों और संविधान को लागू करने के हद तक सुनना है। अब सुनने के लिए सुनना है, अब उसको मतलब सरे जमीन पे उतारने के लिए और दिल्ली के तख्तों ताज पे मूल निवासियों की राज सत्ता लाने के लिए व्यवस्था और बदलाव तक के लिए काम करना। क्योंकि सारी चीजें बदल रही है, संसार परिवर्तनशील है, दुश्मन अपने अंदाज को बदल रहा है, तो हमें भी बदलना होगा। सीधा सीधा डिमांड से कमांड में, रिएक्शन से एक्शन में, और रोड की लड़ाई नहीं माइंड की लड़ाई से ये लड़ना होगा। मेरी एक ख्वाहिश है, जब से पीपीआई के द्वारा पीपीआई बनी, इंटरनल प्रोग्राम हुए, मूल्यवासी संघ के माध्यम से मूल्यवासी मेला प्रदान हुआ, लेकिन जब 3 नवंबर से रांची के मोहराबादी मैदान में पार्टी जो पूरे मैदान में उतरी, पहली बार 3 नवंबर 2019 मोहराबादी मैदान, और वहां जिस ताकत से हमने उसको सफल किया, उस कार्यक्रम की सफलता की प्रक्रिया में मुझे अंदाज हुआ, एहसास हुआ, एक कार्यकर्ता होने के नाते, लीडर होने के नाते, आदमी जब काम करता है दिलो जान से ईमानदारी से काम करता है, जब उसके अंदर अदम्य उत्साह अदम्य शक्ति निकल आती है, और उस अदम्य शक्ति और उत्साह ने 2 नवंबर के मीटिंग में 3 से पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा, जिसे 23 फरवरी को बंदी और बूंदी के लिए, बंदी भी था और बूंदी भी था, बूंदी भी था, जो भी हुआ एक ग्रैंड सक्सेस का संदेश दिया, और हमारे दुश्मन तत्व ने और हमारे बीच के ही जो सत्ता की कोरड़ी पर बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि जैसे घर अपना है उसे पूरा बिहार मेरे पपौती है, ऐसे लोगों को थ्रेट गया और वो लोग भी बंदी में शामिल हुआ हमारे रैली के खिलाफ में। फिर मैं भी लखनऊ गया, मुझे लगा कि झारखंड पूरा हुआ, बिहार में उसके आगे बढ़े, अभी मैं प्लान बना के आया कि लखनऊ के मैदान में हम 10,000 लोगों को फिर जमा करेंगे, और लखनऊ के बाद मुझे एमपी आना आया, और मैं कल्पना लेके आया कि अगले बार अगर मैं आऊं यहां पर तो रेवांचल के रेवा में जसवंतर पार्क है, यहां अगली सभा ये खुले मैदान होना चाहिए और कम से कम 10,000 कुर्सियों पर लोग बैठे होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है,
10,000 का हमने फॉर्मूला भी बनाया है। ससुराल से सत्ता की ओर, ससुराल से सत्ता की कैसे, क्योंकि ये इसका नाम होगा मूल निवासी चेतना रैली होगा। अगर जातीय चेतना रैली होता तो उस मैदान को भरे में दिक्कत है। मूल निवासी चेतना रैली, संविधान चेतना रैली, ये एक नई शब्दावली है, एक नया ये नया एक कंसेप्ट है, एक नई आइडेंटिटी है। तो जो लोग इतने सालों में मूल निवासी बने हैं उनका इम्तिहान भी है कि हमने कितने लोगों को मूल निवासी संकल्पना डाला है। एक तो आइए वो अगर मतलब 200 लोग अगर है रिवांचल में तो 200 होंगे और कुल से कितना होंगे 10,000। कौन आएंगे, तो नए लोग को लाएंगे तो वो टिकने वाले नहीं है। नए लोग किराए मांगेंगे, खाना मांगेंगे और अनुशासन की गारंटी नहीं देंगे। तो हमने फॉर्मूला इजाद किया कि अपने संबंधी को, ब्लड रिलेशंस को, सगे संबंधी को शामिल करना। अभी पटेल जी शादी कर दिया है, अभी तक अपने ब्लड रिलेशन को शादी श्राद तीज त्योहार तक इन्वॉल्व रखा है, वहीं तक न्योता पहाड़ियों भेजे हैं। शादी की न्योता है, श्राद्ध में निमंत्रण है, तीज है, त्योहार है। अब ये न्योता पहाड़ी राजनीतिक सम्मेलन के लिए भी शुरू हो जाना चाहिए। बजाता शब्दों का इस्तेमाल, न्योता मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, न्योता किनको भेजना है, पहला पत्नियों के ससुराल, कहा मैडम मैं थे, अरे पत्नी के ससुराल कहा हुआ, अपने घर, पति घर हो गया, पति के ससुराल, हाँ जो हो गया, पिताजी के ससुराल और सिस्टर का ससुराल, एक ससुर एक जगह से 5 लोग अगर आते हैं तो बस देखो 20 और बाकी चाची मौसी फुआ तो बोनस में। और एक कैडर का 5 फ्रेम, अगर एक एक 30 लाया तो कितने 200 कितना आएगा, 200 गुने 30 कितना हुआ, 200 × 30 कितना हो गया, 6,000। हम 6,000 तो आसानी से ला सकते हैं और लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर, अगर आप इनको नहीं लाते हैं तो ये कल फंसेंगे मुसीबत में, तो फिर आपको याद करेंगे और आपको भी उसी में फंसाएंगे। इसलिए जो दो गुण हम बात कर रहे हैं, ज्ञान और संगठन का जो दो गुण है, वो सारे परिवार को पिलाना बहुत है। और एक बार आपकी अपने बूते अपने शक्ति खड़ा कर दिए मैदान में, तो उस ताकत को देख करके बाकी जो फ्लोटिंग लोग हैं, जो तैर रहे हैं इधर और उधर, कभी उस पार्टी के ऑफिस में, कभी उस पार्टी के ऑफिस में, कभी उनके पीछे, जहां मिल जाए टिकट मिल जाए, पद मिल जाए, ऐसे जो फ्लोटिंग लोग हैं, जो तैरे लोग हैं, ये लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगले बार रिवांचल में जहां अरबी साफ, अरबी साफ, तो हमारे बिहार के साथी हैं प्रधान जी, तो सिमरौली घूम रहे थे,
तो पूरा उधर साहलो के पूरा इलाका है, बहुत साहलो है। तो आर्टिस्ट हमारे प्रधान जी हिस्ट्री के आदमी है, वो कहा कि भाई इतिहास में हमने बादशाह सुना था। क्या सुना था? बादशाह। ये बादशाह में साह बच गया और बाद कहा गया। यानी बाद मतलब आइडिया, अरे माइंड, अरे हेड, और साह मतलब बॉडी। इट मीन्स बॉडी बच गया और माथा कर गया। तो ये जो प्रक्रिया आई है, ये साह में माइंड को पर एक रिसर्च है, सही में है कि साह बचा और बात कहा गया। तो बात गया ब्राह्मण के पास और साह आ गया। तो ये जो है, अपनी ताकत से पहले अपनी ताकत दिखाओ। समाज फ्लोटिंग है, समाज घूम रहा है, समाज कभी जुवाद दोस्त नहीं होता। जिधर ताकतवर लोग होते हैं, समाज उधर चल जाता। इस देश में जो माइनॉरिटी ग्रुप है, स्पेशली जो मुस्लिम ग्रुप है, वो हमेशा ताकत के साथ रहता है और ताकत क्रिएट नहीं करता। जो ताकतवर है उसके साथ शामिल हो जाता है। इसलिए ताकत खड़ा करना है तो जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको शामिल करना होने जरूरी है। अभी तक लोगों के बीच आ रहा है, हमने अलग अलग पहचान से लोगों के बीच गया, मूलवासी बोल के गया, बहुजन बोल के गया, जा रहे गए एससी एसटी ओबीसी है, एंटी ब्राह्मण वाद ठप्पा लगा मेरे ऊपर, ये सब रहेगा, ये सब रहेगा बंद कमरे में, ये सब रहेगा बंद कमरे। इंदौर मीटिंग में हम बहुजन है, हम मूल निवासी है, हम ये, लेकिन पब्लिक में नए लोग के बीच में जाने के लिए नई चेहरा, नया चेहरा लेके जाना है और चेहरा होगा संविधान का चेहरा। हम संविधान है, हम कौन है? बंद कमरे में हम कौन है? मूल। बंद कमरे में मूल निवासी है, एंटी ब्राउन के सिस्टम है, लेकिन पब्लिक फेस में जाएंगे, नियू के पास जाएंगे, नए आदमी के पास जाएंगे, तो हम वहां संविधान बन के जाएंगे और हम मूल निवासी बन के नया चेहरा। क्योंकि लोग अगर हालात बदल रही है तब की पहचान भी बदलना बहुत जरूरी है। ये रणनीति का हिस्सा है, किसका है? रणनीति का हिस्सा है। और संविधान का चेहरा एकदम शाकाहारी है, क्या है? सुख शाकाहारी है, मांसाहारी मूल निवासी मांसाहारी है, और संविधान का चेहरा शाकाहारी है। यानी चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी है चौराहे पर, कहीं भी ऑफिस में, कॉलेज में, कहीं भी जा रहे हैं, संविधान लेके जाएंगे, कोई आपके विरोध नहीं करेगा। और जो विरोध करेगा वो खुद संविधान विरोधी साबित हो जाएगा। जैसे ही 26 जनवरी को जब हमने पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर चौराहे पर खड़ा होके, खास करके जो हमारे मातृ संगठन है उनके लिए था कि जो कर्मचारी अभी तक
अपनी आइडेंटिटी को अपनी बात को बंद कमरे में बोलते रहे हैं और उनको पब्लिक प्लेस पर बोलने के लिए खड़ा होने के लिए क्रेज पैदा करो। इस क्रेज में हम लोग शामिल हुए, किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो संविधान लेकर के पब्लिक में जाने के लिए यह है PS4.2 और उसी का अगला पड़ाव है संविधान कितना रेडी ऑन मोटर साइकिल कार। वाई मोटरसाइकिल कार, वाई नॉट साइकिल, वाई नॉट पैदल। एक दौर था जब साइकिल नहीं था, तो दौर में जो समाजवादी ग्रुप होते थे उस पैदल मार्च, पैदल मार्च सुना, पैदल मार्च। जब ये हमारी हमारी आई खुले मड़की आई बात, तो आई साइकिल मार्च, साइकिल पर चलो। आज क्या हो गया घर में, मोटर साइकिल तेज चलना है, मोटर साइकिल मार्च होना चाहिए, कार मार्च होना चाहिए, क्योंकि यही मतलब हम भाग पुल से जा सकते हैं। संविधान चेतना पैदा करना है, इसका मतलब एक दूसरी चेतना पैदा है, और वो चेतना पैदा है तीन तरह का। एक है हिंदू होने का, दूसरा है जाति होने का, और तीसरा मोर एंड लेस है SC ST OBC होने का। तीन पहले से हिंदू और कास्ट दोनों एक है। आप हिंदू बोलेंगे परिचय में तो सामने संतुष्ट बोलेगा कौन जात है, जात के बगैर परिचय पूरा नहीं होता। तो हमारे वकील साहब थे, ट्रेन में चढ़े, एक पुरुष महिला एक बच्चा चढ़ा गए जगह पर, चना चना होता है चना की झंगरी, मतलब चना जब पेड़ में जमीन से खाते हैं और उसको फोड़ के खाते हैं, तो लेके अपना खा रहे। बच्चा का जो मनोविज्ञान है उस समझ सके वकील साहब ने उस गठ में से टुकड़ा बच्चे को दे दिया। बच्चा खाने में मस्त, पेट में दर्द हुआ उस माँ को, बाप रे बाप ये कौन जात का है, काला कोट भी है, काला आलू भी है, और सबसे बुरा बात कि जूठा में से। अब धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, मेरा कहेंगे स्वर्ग जाएंगे। कुछ दी कौन कास्ट है, कौन दाग कह रहा है, कहा कि हम तो बता ही देंगे आप कौन कास्ट है। बोली हम बाबू साहेब ठाकुर, बाबू साहेब बाबू, बोले हम बाबा साहेब हैं। औरत का दिमाग टकरा गया, अपने पति से पूछी कान में, जय जी हमें इतना उम्र हो गई है, दो बाल बच्चा भी हो गए हैं, बाबू साहब तक सुन ली कि बाबा साहब कौन जात है। जगह चेंज कर लिया, पति आया बगल में, कहा क्या वकील साहब, वकील साहब है तो कहीं देख, लेकिन उन्होंने क्या बनाते बनाते पूछ दिया कौन कास्ट, कहा कि मैं तो बता ही दूंगा, मैं अपना जानता हूं तुम्हारा भी जानता हूं, तुम कौन कास्ट हो, कहा मेरा भी जानते हैं, हाँ कौन कास्ट है। वकील साहब ने कहा कि तुम फ्रॉड कास्ट, तुम फॉरनर कास्ट, तुम हॉर्स कास्ट, थ्री हॉर्स हो, फ्रॉड हो और फॉरनर फॉरनर। इतना सुना था कि गौर वकील से लाए जो वकील साहब साथ गए थे, उनका खून गर्म हुआ,
कहा खूब डाक उसको ठाकुर पर जम गया। कहा करेंगे कौन तो भी गाड़ी सुना हमको भी गाड़ी सुनाया तू ना जान पूछता मैं तो फ्रॉड। ये बाप ये मदर संगठन की चेतना जो पैदा किया है कि हम दुश्मन को भी जांच बताने पर उनको शर्मिंदगी फील करा सकते हैं। ये जाति चेतना है, इसे क्या मिलेगा? तो हर जात में आदमी है और आदमी है तो उसका अधिकार है। बोलते हैं मानव ह्यूमन राइट, अधिकार हो कर्तव्य अधिकार हो। तो आप देखिए भारतीय संविधान में रखा हुआ है, भारतीय संविधान में कुर्मी शब्द है क्या? नहीं। कुम्हार है? नहीं है। काठी कुशवाहा है? ध्वनि चमार है? और अधिकार कहाँ है? संविधान में। कहाँ अधिकार है? जिस संविधान में अधिकार है उस संविधान में कुर्मी कुशवाहा कुम्हार काठी यादव नहीं है। इट मीन्स कास्ट है लॉ राइट, कास्ट है जाति को अधिकार नहीं, जाति को अधिकार नहीं है क्योंकि जाति संविधान में नहीं। फिर जाति को है क्या? जाति को ओनली ड्यूटी है, ओनली ड्यूटी ड्यूटी कहा मनु के स्मृति संविधान में। तो इस संविधान चेतना रैली के माध्यम से आपके माध्यम से जो समाज नहीं आया, जो लोग हैं नहीं आए, आप उनके प्रतिनिधि है, आप उनके प्रति आपको नहीं है, आप मूल निवासी समाज के क्या है आप प्रतिनिधि। आपके आस पास 150 लोग मिलते जुलते हैं, उन लोग को ये बताना है कि जाति को कोई अधिकार संविधान में, ओनली ड्यूटी है, ओनली तो बताओ कि तुम्हें सिर्फ ड्यूटी करना है या अधिकार भी चाहिए? वहां चाहिए तो अधिकार चाहिए तो कुर्मी होना बंद करो, कुम्हार होना बंद करो और संविधान की चेतना पैदा करना शुरू करो। इस संविधान की चेतना इसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया है और नाम ही इसका है जाति। ये जाति में आती होगी नहीं है, जाति है आती मान समान सत्ता सब कुछ है, जाति आती आती क्या है अपमान। इसलिए जाति की चेतना अगर बनाए रखे और उसके एवज में संविधान की चेतना अगर नहीं डाले नहीं पैदा किए तो फिर शुरू हो गया है गांधी वाद शुरू हो गया है कि 10-20 साल तक SC ST OBC के लोग पढ़ेंगे, MA डिग्री पास करेंगे, BA करेंगे, काम क्या करेंगे? तो कुम्हार अगर MA हो गया तो ये नया आया है वर्ड है मिट्टी कला, है ना? क्या है क्या मतलब तुम MA पास हो तो बढ़िया से बढ़िया बर्तन बनाओ, तुम टीचर प्रोफेसर इंजीनियर नहीं होगे, तुम अगर चमत्कार हो चमार हो तो बढ़िया से बढ़िया जूता बनाओ, तुम अगर नाई हो तो PhD कर लियाओ PhD, तो बढ़िया से बढ़िया दाढ़ी बनाओ बाल काटो, और तुम कुर्मी हो और अगर तुम MA कर लिया हो तो बढ़िया से बढ़िया खेती करो सब्जी होगा, ये
चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जाति कला कौशल चल रहा है। इसलिए साथियों, ये जात की चेतना खत्म करने के लिए आया है, श्रद्धाओं की चेतना पैदा करने की। न मोटा मोटा बात यह है, ऊपर का। उसके आगे SC ST OBC की चेतना, SC अलग, ST अलग और OBC अलग। संविधान में SC ST OBC के नाम पर सरकारी नौकरी है। क्या है? सिर्फ नौकरी करने का। SC ST OBC के नाम पर SPDM बन सकते हो। क्या बन सकते हो? SPDM और लेकिन CM PM नहीं बन सकते हो। SC ST OBC के नाम पर SPDM बन सकते हो, PM CM नहीं बन सकते। और उससे आगे कहां प्रबुद्ध भारत, भारत प्रबुद्ध भारत कहां, प्रबुद्ध भारत कहां, सिद्ध भारत और कहां साक्षर भारत, साक्षर मतलब निरक्षर बनाए रखना। एक औरत एक आदमी को दो चार महीना नाम लिखना सिखा दीजिए, अगले दो चार महीना में भूल जाएगी लिखना भी। एक साक्षर आदमी शिक्षित नहीं हो सकता। तो नियम कौन बनाएगा और लागू आप करेंगे? होना ये चाहिए कि नियम भी हमारा हो और लाओ बनाने वाले भी हम हो और लागू करने वाले भी हम हो, जैसे छत्रपति साहू जी महाराज। साहू जी महाराज जिसने अपने शासन काल में ये नियम बनाए 1902 में कि 50% रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन बाय रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए। बनाए भी और लागू भी ये तब लागू हुआ। अगर बनाने वाले को आग होता तो ये लागू नहीं होता। इसलिए जाति की चेतना, SC ST OBC की चेतना, ये भी हमें उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता जहां हमें जाना चाहिए। इस संविधान में क्या चेतना है? संविधान है क्या? संविधान एक बुनियादी कानून है, मूलभूत कानून है, एक बड़ा एक भाखड़ा लगन मतलब तनाव है, बाघ बड़ा भी है और उससे छोटे मोटे लहरें निकलती है। मूलभूत फंडामेंटल कानून है। संविधान में जो सबसे बड़ी बात हम की डालना है कि दुनिया में तीन प्रकार के सोचों के आधार हैं, तीन आधार हैं, कलर टाइस एंड कास्ट, कलर टाइस एंड कास्ट। अमेरिका में कलर काला और गोरा, चीन और रूस में टाइस अमीर और गरीब, और इंडिया में कास्ट। इसलिए पूरे दुनिया के समाज विज्ञानी को भारत की समाज रचना समझ में नहीं आता, क्योंकि यहां पे
शोषक में भी गोरा है और शोषित में भी गोरा है, शोषक में भी काला है, इधर भी काला है। तो रंग के आधार पर यहां शोषक और शोषित का अंतर करना पड़ा। शोषक में भी गरीब है, उधर भी है हड्डी वाला, इधर भी है हड्डी वाला, उधर भी है चर्बी वाला, इधर भी है चर्बी वाला। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक नया शब्दावली इजाद किया, वो है बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। ना गोरा ना काला ना अमीर ना गरीब, क्या वर्ड है? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, नागरिकों का पिछड़ा। क्या वर्ड? क्या नागरिकों का पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लास, जिसमें काला भी और गोरा भी, अमीर भी और लाजा भी और मजदूर भी है। मतलब भारत में राजा, मतलब बैकवर्ड क्लास का राजा भी है शोषित, शिवाजी वाला, शिवाजी वाले एग्जाम्पल कि राजसत्ता हासिल करने के बाद भी ब्राह्मणों ने उन्हें राजाभिषेक नहीं किया। ये गलत का देश है कि भारत में राजा भी शोषित है और भिखारी ब्राह्मण भी शोषक है। इतना माइक्रो माने जो डिफरेंशिएशन है ये दुनिया को समझ में आता नहीं है, इसलिए भारत को समझने के लिए एक विशिष्ट माइंड की जरूरत है और वो मिलता है पूरे अमेरिका आंदोलन से। एक और क्या देख लेते हैं, चाहिए कि फूले अंबेडकर क्या है, क्यों हमारे पीछे फूले अंबेडकर को महान और माला बनाने भगवान पूजने के लिए नहीं है। फूले अंबेडकर की प्राथमिकता ब्राह्मणवाद को समझने, विश्लेषण करने और डॉक्यूमेंटेशन करने की संदर्भ में है। नहीं तो जय भीम बोलो इधर भी चलो हो जाएगा। जय भीम का नारा है और भारत तुम्हारा है हमारा। फूले अंबेडकर ये पूजनीय नहीं है, फूले अंबेडकर माधव से हम ब्रह्मीतम को समझने के लिए एक माधव है, क्योंकि इन लोगों ने ब्रह्मीतम को बहुत गहराई से समझा है, पढ़ा है, उसको डॉक्यूमेंट किया। जैसे मार्क्स ने क्या कैपिटलिज्म को मार्क्स किया, पूंजीवाद को किया, उसी बाबा साहब को माध्यम से हम इस देश के शोषणकारी समाज को समझ सकते हैं। इसलिए महान है तुमने वर्ड इज क्या बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। अभी देश में संविधान की चेतना एससी एसटी ओबीसी के आर्टिकल 16 4 के तहत निकले हुए दबके इंजीनियर ऑफ सिटीजन के पास अगर होता, आर्टिकल 16-4 जिससे क्या मिलता है, सरकारी संस्थान में नौकरी मिलेगी। अगर संविधान की चेतना उन तमाम चर्बीदार को संदेह या मंदे रोज खाओ अंदे, अगर होता तो ओ एससी के नाम पर अलग नहीं, ओबीसी के नाम पर अलग नहीं, एएससी के नाम पर अलग नहीं, बैकवर्ड क्लास के नाम पर संगठन बनाता जिसमें एससी भी बनता, एससी भी और ओबीसी भी शामिल होता। इस संविधान की चेतना न होने की वजह से उस आर्टिकल 16-4 से जो लोग निकले, क्या बनाया संगठन, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर
ओबीसी के नाम पर और मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ देने वाला खुद भिखारी बने और देने वाला भिखारी राजा बन जाए। अगर भिखारी राजा बन जाए तो दूसरे को भीख देता नहीं है। पता है कि भीख देने से राजा ये लोग बन सकते हैं, तो लेने वाला है देने वाला नहीं। तो बैकवर्ड क्लास की चेतना दया के संविधान में आर्टिकल 16 किताब में जो इंजीनियर मेसर है वो एससी को नहीं है, ना एससी को है ना ओबीसी को है। आर्टिकल 16:4 में ना एससी है ना एससी है ना ओबीसी को भी नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। मैं दुकान में देखती हूं। अरे बैकवर्ड के नाम पे इकट्ठा होते तो ऑफिस लेके दिल्ली तक तुमको राज हमारा हो गया होता। संविधान चेतना कितना इंपॉर्टेंट है कि नाम होने की वजह से आज उनका निजीकरण का मार्ग झेल रहा है। ओनली मदर संरक्षण है इसने, इसके अंदर हिसाब हुआ बैकवर्ड होने का और उसी बैकवर्ड जिला बहुजन उस मूलिक निवासी ऐसी बहुजन व निवासी का देन है कि इस हॉल में सोशियली हर जाति का आदमी होता है और जोग्राफिकली अगर ये सोशली 85 के नहीं होता तो ये हर जाति के साथ बैठे हुए नहीं होते, अगर राष्ट्रीय नहीं होता तो हम आपके बीच में। और तो आओ आर्टिकल 16:4 से जो नौकरी मिला जब रिटायर हुआ सीधे आ गया जात पर। रिटायर के बाद बनाया संगठन जाति बनाया, कौन बनाया? जिसने आर्टिकल 16:4 के इस्तेमाल करके नौकरी में आया। ये सारा इसलिए हुआ कि हुआ ये क्योंकि देश के संविधान को देखने का दो नजरिया है, 15% और 85%। 15 वालों ने संविधान को कभी भी विमर्श कभी से नहीं बनाया, कभी सिलेबस को नहीं डाला, कभी चर्चा में नहीं लाया और जब भी लाया तो नेगेटिव लाया। क्या लाया? निगेटिव लाया। अल्पर से विद्वान ब्राह्मण एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। गांव में अगर चोरी हो गया ना दो कुत्ते तो लड़ गए गांव में, बोला संविधान देश का ठीक है। इस हद तक संविधान को बदलाव किया है उन्होंने, क्यों किया? उनको लाजिम नहीं करना, वो ऐसे करेंगे, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनु ने जिनको विशेष अधिकार दिया था जिस ग्रुप को उनका विशेष निकाल लिया और जिनको कुछ भी नहीं था उन्हें विशेष जोड़ दिया। तो वह जिनका विशेष निकाल देगा वो खुश कि ना खुश? हाँ। इस देश का अगर एंटी ना रुख संविधान से नाखुश है तो कोई अजीब बात है नहीं है, होना ही चाहिए। मामला यह है कि जिनको विशेष मिला और जिनके घरों में विशेष तौर पर संविधान रखी जानी चाहिए, पढ़ी और समझी जानी चाहिए, उनके घरों में संविधान नहीं है, इसलिए संविधान चलना नहीं है। इसलिए भी इस है कि अगर बीमा का एक किसान, एक पढ़ा लिखा किसान किताब बिना लगे उसके पास 100 रुपया है और वहां दो किताब है, एक है रामायण एक है संविधान, दोनों का मूल 100-100 रुपया है। कितना पैसा उसके पास है? 100 रुपया।
दोनों एक कर देगा। जो इस माहौल में नहीं है मुझे 100 रुपये में क्या खरीदेगा? रामायण के सिद्धांत, रामायण और जिस रामायण में लिखा है कि ढोर गवार सुनारी सब पीतल के अधिकार, मैंने खुद को पिटवाने के लिए 100 रुपये घर के कर रहा है। आखिर साल के रामायण क्यों खरीदा? संविधान क्यों नहीं खरीदा? हिंदू से संविधान की चेतना नहीं, हाँ क्योंकि रामायण की चेतना हुई, संविधान की चेतना नहीं। इसका मतलब वो किसान दोषी नहीं है, वो व्यक्ति जो 100 रुपये में रामायण खरीद रहा है वो दोषी नहीं है। दोषी है इन हॉर्मेट, दोषी है चेतना। मुझे याद है कि बनारस से रामायण कहने वाला रामायणी टी वाला था, जो महीना महीना किसी के दरवाजे पर रामायण बांसता था। कब था दौर? जब बैकवर्ड क्लास में कोई एमबीए पास लोग नहीं, जब कोई सवाल करने वाला लोग नहीं था, और जैसे ही बैकवर्ड क्लास में 90 के बाद सवाल पैदा करने लोग पैदा हो गए, वो बदल गया और बोला है कि भाई वो बस्ती पर रामायण नहीं करेगा, मतलब पिटाई हो जाएगी। बोलेगा सीता गर्भवती थी, क्यों राम ने बाहर भेज दिया? राम जब ये ज्ञान था तो क्यों खोज रहा था, रो रहा था? ये सवाल करेगा। तो सवाल से बचने के लिए टेलीविजन में टेलीविजन बना लिया है, क्या लिया? टेलीविजन। अब टीवी अब घर में है, टीवी घर में है, रिमोट आपका है, घर आपका है, पैसा आपका है, लेकिन बोलने वाला आपके घर में कहा है? दिल्ली में है, भोपाल में है। तो बहुत गुस्सा आएगा तो क्या करेंगे आप? टीवी फोड़ेंगे, और आप बोल नहीं सकते। यानी वो हमेशा रणनीति का बदलाव करते गया, हमें भी करते जाना चाहिए। वो किसान आदमी, वो मजदूर आदमी तो 100 रुपया में रामायण खरीदता है, तो रामायण की बात तो हो गया। अब ये वहां दो किताब है, एक है संविधान, एक है कुर्मी इतिहास। अब क्या खरीदेगा हूं? डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखा दी अनटचेबल, दी अनटचेबल अद्भुत लगता सुधरा। और एक किताब आई डब्ल्यू ब्रिक्स की, दी चला दी चला। मैं देखा कि अछूत कौन और कैसे, अंबेडकर साहब लिखे और किताब अछूत पे की शिकार होते रहा और दिल चमार बिक रहा, दिल चमार बिक गया। अछूत कौन कैसे कम बिका, इसका मतलब कि जाति जितना बहुत अगर रामायण हो और कुर्मी के इतिहास हो, कुम्हार के इतिहास, तो क्या कर देगा? तो किताब जाति कर देगा, जाति पर कर देगा रामायण। इस देश में जहां जाति ही सब कुछ है और कास्ट ही कष्ट है, वहां पर वो व्यक्ति जो 100 रुपया लेके गया है वो संविधान खरीद के लाए, वो संविधान खरीद के लाए अपने नागरिक पद से पढ़ाए, इसके लिए ये चला है बीएस फॉर संविधान चेतना का, ये है रेजिडेंसी। और जो पूरे 85% में संविधान 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 के बाद जब चलाएगी, तब संविधान के मुताबिक वन मैन वन वोट वन वैल्यू की सरकार बनेगी, यानी हमारी बनेगी मूल निवासियों की। संविधान का चेहरा है, कौन चेहरा? संविधान का चेहरा। हमारे लोग वेरी सीरियस बात, जब भी थोड़े अंबेडकर
अंतरिम मंदिर में कोई आदमी आता है हमारा आदमी यहां भी है, मैं देखा हूं परिघटना यहां भी हो रही है कि जब भी कोई एबीसीडी एक दो क्लास अटेंड किया और अटेंड के बाद गांव में जाता है तो सीधा सीधा देवी देवता भगवान पर खिलाफ में बोलना शुरू कर देता है। यानी इस स्कूल से जो विद्यार्थी पहला क्लास दूसरा क्लास पढ़ा और समाज में गया तो सीधा सीधा देवी देवता ईश्वर भगवान के बारे में बोलना शुरू कर देता है। क्या होता है, जैसे आप देवी देवता ईश्वर के बारे में बोले खिलाफ में आपके ऊपर नास्तिक होने का ठप्पा लगेगा, करेगा नास्तिक होने का, और जैसे बनेंगे नास्तिक तो बोलेगा नरक हो जाएगा, कहा जाएगा नरक हो जाएगा। आपसे जुड़ने के बजाय दूरियां बनाता है समाज, आप तरह से जोड़ने और हो गया तोड़ने, जबकि आपकी बाउंड्री मारा गया है कि जो भी हमारा संगठन है मदर में क्या है, तीन लिमिटेशन है, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस और नॉन एजुकेटेड। मीन में क्या है, एक में क्या है, नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस बट एजुकेशनल। इसमें क्या है, पॉलिटिकल बट नॉन रिलीजियस और नॉन पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल बट नॉन रिलीजियस। ये बहुत सोच समझ के एपेक्स बॉडी तय किया है, ये रणनीति का हिस्सा है, ये मर्यादा हमारी है, इस सीमा के अंदर रहेंगे तभी आप लक्ष्य को हासिल करेंगे, सीमा तोड़ देंगे आप बाधा में पड़ जाएंगे। मैं हमेशा लिखता हूं इसके ऊपर, कोई भी पुणे मर्करी मिशन का आदमी जो बाउंड्री बना है उस बाउंड्री के बाहर बात नहीं करेगा, क्योंकि बाउंड्री रणनीति है। क्या रण और रणनीति क्या होती है, रणनीति बाधाओं को दूर करने की नीति होती है, जो बाधा आ रही है उसको उसको एवॉइड करने के लिए बनता रण, जैसे नॉन पॉलिटिकल वाई, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉई क्लास है अगर पार्टी में जाएगा तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, तो क्या बनाएगा नॉन पॉलिटिकल। इस बाउंड्री में रहना है, और जहां तक ये काल्पनिक देवी देवताओं का संबंध है, कुछ काम हेलो बस बैठिए 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 कुछ काम सत्ता के पहले और कुछ काम सत्ता के बाद। सेंस ऑफ प्रायोरिटी और सेंस ऑफ टाइम, प्राथमिकता की समझ और समय की समझ के कैडरों में होना बहुत है। कुछ काम सत्ता के पहले, बाकी सत्ता के बाद। कौन काम सत्ता के पहले करना है, कौन बात सत्ता के पहले बोलना है और कौन काम सत्ता के बाद बोलना है, तो संविधान की बात, इतिहास की बात, सत्ता से पहले बोलना है, वैसा ही बोलना है जिससे जुड़ाव हो मनमुटाव। तो कौन सा बात, संविधान की बात, हक अधिकार की बात, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य की बात, मान सम्मान की बात, इसके बाद बोलेंगे कोई भी आदमी आपसे जुड़ाव नहीं करेगा। और जहां भगवान के बारे में जैसे बोले, आपके ससुराल के लोग, आपके रिलेटिव लोग,
आपके पड़ोसी लोग आपसे दूर हो जाएंगे। मैं दूर है क्या? एक आदमी आया बाल से हमारे अधिवेशन में आया, चार दिन सुना, घर गया, पत्नी को बोला आज से शिव को नहीं मानना है। पत्नी बोली कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, शिव को नहीं छोड़ सकती हूँ। कौन बात कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये ट्रेनिंग कैसा, ये सारे काल्पनिक देवी देवता आज भी उनका मेहमान है। उनका जो आज फिर भी खत्म होगा, कब? सत्ता के बाद, सत्ता के बाद, सत्ता के पहले नहीं। कैसे जिंदा है ये जिंदा है प्रचार के प्रभाव से, प्रचार के प्रभाव से ही जिंदा है। प्रचार खत्म, इनका जिंदा होगा खत्म। कहा गया कैसे होता प्रचार? तो जिसका पब, जिसका संगठन उनका पब्लिक, जिनका पब्लिक उनका पार्लियामेंट, जिनका पार्लियामेंट उनका पीए, जिसका पीए उसका प्रचार मंत्री, जिसका प्रचार मंत्री उनका टीवी सीरियल, उनके महापुरुष आज उनके हैं। टीवी खोलिए और वो दिखाई पड़ेंगे। हमारी सरकार करेगी सब टीवी सीरियल चेंज, सारे महापुरुष चेंज। आज दिन तक हमारे घर के आपके पुरुष जब टीवी ऑन करेगी पूरा उनका दिखाई पड़ेगा, सब रहेगा। जितने मूल निवासी वहां टीवी में हुआ है तो लोग आदि हमारे घर के लोग बाहर कहीं बैठेंगे चौथे पर और बतियाएंगी कि लगे हाथी पूरा उनका भगवान दिखाई चाहे तो सस्पेंड हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं या डिस्चार्ज हो गए हैं। इस पर हुए ये बहुत बहुत चैलेंज है। बादलों में ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है कि कहा कब क्या बोलना है। बोलने के लिए ऑब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव मैटर करता है। ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा आपका बोली भी बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव अगर बनना है रूल करना, ऑब्जेक्टिव है कि संविधान को लागू करना है, पीएम सीएम बनना है, तो ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि तुम बहुजन बनो, तुम बहुजन बनो। यू मस्ट कंस्टिट्यूट मेजोरिटी। डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है? मेजोरिटी रूल करता है। मेजोरिटी भीख मांगता है, मेजोरिटी मांगता है, अंग्रेजी रूल करता है। तो मेजोरिटी बनाने के लिए प्यार चाहिए, जुबान चाहिए, लगाव चाहिए, हक अधिकार की बात चाहिए, मान सम्मान की बात चाहिए, जिससे जुड़े टूटे नहीं। रहा बौद्ध की बात तो हमारे बिहार के आईएएस थे, रिटायर में बौद्ध बन गए, गए चेन्नई अधिवेशन में, धर्मी साहब अध्यक्ष राष्ट्रीय, कहा कि धर्मी साहब आपके बैनर में बुद्ध नहीं है, आप कुछ बौद्ध नहीं बनाते हैं। तो धर्मी साहब ने उस रिटायर आईएएस को कहा कि लोग को बौद्ध नहीं बनाते हैं, लेकिन जो इस अधिवेशन में आते हैं वो बौद्ध बन जाते हैं, बनाते बनाते नहीं। और जो लोग बनाते हैं बनाते हैं, बिगाड़ के आते हैं, हम नहीं बनाते, बन जाते हैं।
ऐसा है बगैर रणनीति के आप युद्ध जीत नहीं सकते। अंतिमा खराब विचार है कि जाति कास्ट भी कष्ट है और कास्ट ही कष्ट नष्ट भी करेगा। जाति अलग है कष्ट है एक हो गया तो कष्ट वाला दूर। जब हम कास्ट में थे तो 100% कष्ट में थे क्योंकि कास्ट की जो पहचान है वो अपमान जो है कास्ट में जो पैसा है वो लोहे ग्रेड का है और उस पैसा में पैसा तो है ही नहीं। पैसा तो मजदूरी कर मजदूरी मत मार। इस कास्ट से हम बने सेडुल्ड का सेडुल्ड ट्राइब और क्या बने अदर बैकवर्ड क्लास। जब हम एससी एसटी ओबीसी बने तब कष्ट हमारा 50% दूर हुआ खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग मार रहे खत्म हो गया दुबई जी ने बस चाय पिला दी शराब कर दिया हो खत्म खत्म हो गया। अरे कुर्सी को प्रणाम करता है आपको प्रणाम नहीं, नहीं करता है। अगर कोई ओबीसी अगर डीएम है और ब्राह्मण चपरासी है कैसे प्लान सलाम सर सलाम सर कहने सलाम के पता भी सलाम सर क्यों ऐसा है तू तो ब्राह्मण पूछता है उसके दोस्त है आए हो वो पूर्वी डीएम है तो चपरासी है तो प्रणाम पति करा ही नहीं रहे और करा तो नहीं लेकिन ऐसे करेगी ताकि क्योंकि उनको जवाब देना होता अपने अपने सभा में कि ब्राह्मण होके तुम शूद्र को सलाम नहीं करोगे तुम मर जाओगे उनके सलाम नहीं करोगे। तो जिंदा रहना है मरना भी नहीं है और सलाम भी नहीं करना है सलाम कर तुम्हें क्या पता भी जरूर तरीके निकाल सकता है कोई तरीके निकालना होता जरूरी है। इसलिए एससी बने एसटी बने ओबीसी बने कष्ट हमारा खत्म हो कम हुआ खत्म नहीं हुआ नहीं हुआ। अब मूल निवासी बनेंगे बहुजन बने तो और कम हुआ। मूल निवासी एक ऐसी पहचान है जो कैंसर का ये अंतिम दवा है कास्ट रूपी कैंसर का ये अंतिम दवा है परफेक्ट दवा है। एससी एसटी ओबीसी हर भारत के मूल क्या करना है आप सुबह नहाइए छत पर जाइए एक हैंड मोबाइल ये होता ये माइक हाथ वाला माइक रखिए माइक रखिए और एक लोटा पानी चुपो जो माला पालथी मार दीजिए और एक माला घुमाइए एससी जो एससी दूसरा एसटी तीसरा ओबीसी हर भारत के मूल एससी एसटी ओबीसी हर भारत के मूल निवासी इस महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मणों का 1,00,000 मंत्र एक तरफ और एक मंत्र एक तरफ उसे क्या होगा क्योंकि हर गांव में हर मोहल्ले में जो व्यक्ति रहता है वो जात नहीं जीता ओबीसी भी नहीं बनके जीता एससी बनके भी नहीं जीता जात बनके जीता। और हम बन गए मूल निवासी दूसरे को बुलाना है तो दूसरे को पता होना चाहिए कि ये रामगोपाल सिंह पटेल ये अमरीश प्रजापति ये एससी का भी नाम लिया एससी का भी नाम लिया और ओबीसी का भी नाम लिया इतने ये आदमी कुर्मी कुशवाहा कुरान नहीं है
तृणमूल निवासी ज्ञान परिणाम होगा, आप सिर्फ जुड़ेंगे, आप सिर्फ जुड़ेंगे, क्योंकि आप सुनने होके आप कुशवाहा काछी और कुम्हार को नहीं जोड़ सकते, आप ऐसी होके ओबीसी को नहीं जोड़ सकते, आपको अगर सभी को जोड़ना है तो सबसे ऊपर एक पहचान चाहिए जो सबको ऊपर हो और सबके बाकी नीचे हो तभी जुड़ेगा। जब मूलवासी बनते हैं तो आप एससी भी है, एसटी भी है और ओबीसी, आप पूर्वी भी है। मैं पटना में रहता हूं, असले यादवों की सभा होती है, जैसे विवाद चल रहे हैं पटेल महाशय भाग रहे थे, उसे बिहार में यादव एक पॉलिटिकल कास्ट है, तो उनकी सभा होती है, मुझे बुलाता है, यादवों की सभा में बोलता हूं, क्यों बुलाता है बता तो है, क्योंकि वो मुझे धोबी नहीं समझता, ओ मुझे ऐसी भी नहीं समझता, ओ हमें मूल्यवान समझता है, इसे अपना समझता है। यानी मूल्यवासी बनेंगे तो बैकवर्ड क्लास के हर जाति में आप जाने का इंटेंटिव हो जाएंगे और हर जाति में जाकर एक ही इंजेक्शन लगाना है, एससी एसटी ओबीसी हमार के मूल्यवासी, एससी एसटी ओबीसी हमार के मूल्यवासी। ध्यान दे रहा है, ये दवाई देते वक्त प्रिकॉशन दे रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इधर से लिए पटेल साहब, उधर से प्रजापति, जय भीम जय मूल्यवासी, उधर से आगे कुशवाहा जी जय मूल्यवासी, उधर से आगे साके जी जय मूल्यवासी, और उसी बीच में एक एमपी का वाला है, उसको महाअश्चर्य हुआ, कड़ी कुर्मी काछी कुशवाहा तुम्हार साकेत इस सब मिलके हमको सलाम करता था, ये अपने से शुरू करके हमको छोड़ दिया, पहला महाअश्चर्य। दूसरा महाअश्चर्य बोला यार ये मूल्य जय मूल्यवासी बोला, तो ये सब मूल्यवासी है तेरटीना वाला आपसे पूछेगा कि भाई साहब एकदम चिंता पूर्वक दीन दयाल पूछेगा कैसा दीन दयाल चिंता पूर्वक कि आप लोग मूल्यवासी है भाई साहब तो हम कौन पूछेगा ना पूछेगा, अगर आप लोग मूल्यवासी है तो हम तो क्या बोलेंगे, मूलवासी है तो हम कौन है क्या बोलेगा, आप क्या बोलेंगे, अगर एससी एसटी ओबीसी है मूलवासी है तो ठाकुर और ब्राह्मण आ गया तो आपसे दीनता पूर्वक पूछा के हम कौन है क्या बताएंगे, क्योंकि हमें रक्तहीन क्रांति करना, क्रांति रक्तहीन क्रांति करना है और रक्तहीन क्रांति के लिए जगदम की जलाना है कि सौ में नब्बे शोषित है, शोषित हमारा है दस दस का शासन नब्बे पर नहीं चलेगा। नब्बे इकट्ठा हो गया दस सरेंडर करेगा। यहाँ कोई संघर्ष नहीं है मेरे दोस्त, संघर्ष 1920 में होता है, संघर्ष 90 और 10 में नहीं होता। एक बाप का 9 बेटा, एक बाप का 1 बेटा, लड़ाई हुआ क्या बेटा, फिर में क्या होगा, एक वाले का हड्डी सब क्या हो जाएगा और ब्राह्मण अपना हड्डी गवाना नहीं चाहेगा, इसीलिए तो बोल रहा है पिछड़ा, अति पिछड़ा,
दलित महादलित आदिवासी वनवासी फिर से हमें बात रहा है, हमें फिर से बात रहा है, इसका मतलब हमसे सामने में लड़ने की हिम्मत उनको नहीं। क्रांति होगा पूछे हम कौन है, क्या बोला है, आई डो नॉट नो हु आर यू, आई डो नॉट नो हु आर तुम कौन, मैं मुझे मालूम एकदम दिल का पूरा मीठी छोड़ी से मारना है, वो खून भी नहीं भरे, खून भी नहीं भरे और मर भी जाए, मर भी जाए। आई डो नॉट नो हु आर यू, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, है आई नो आई एम व्हाट, मैं कौन हूं मुझे मालूम है, तुम अपना क्यों पता, तुम्हें अपना क्यों पता, उससे कोई झगड़ा नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, केस मुकदमा नहीं होगा, नहीं होगा, आपका समय बचेगा, काम बचेगा, तो जो काम अपने बस्ती में अपने लोग को बोलना है एससी एसटी ओबीसी हमारे घर आके बोलना है, ब्राह्मण के बस्ती में कुछ बोलना वाला नहीं है, शायद रहना है। और अंतिम बात कि जो उन्होंने कहा कि समर्थन की बात है जयसवाल साहब ने, मैंने कहती हूँ मुझे मुझे समर्थन के लिए इतना नहीं है